हेलो एवरीवन वेलकम 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 कैसे हो बढ़िया आज और बहुत बढ़िया तो लीजिए गाइस लास्ट क्लास में जहां तक हमने अपना बिजनेस इकोनॉमी से पार्ट किया था आज उससे आगे बढ़ने का नंबर आ गया तो याद करो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना बेसिकली स्टार्ट किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और जनरल इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली exactly. तो कहां तक पढ़ा था वो जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो हम जान चुके थे तो बेटा हमने इसकी बिजनेस इकोनॉमिक डेफिनेशन भी लिखी थी साथ, -साथ में जनरल इकोनॉमिक डेफिनेशन के साथ साथ हमने सीखा था कौन से वर्ड से निकल के आया थोड़ा रिकॉल करता हूँ आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में से ही हमने कुछ कंसेप्ट निकाले थे जो कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स बेस पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं तो जहां हमने अपने पास में बात की थी कि सोशल साइंस साइंस के रिगार्डिंग कितने टाइप की होती है सो so, पॉजिटिव क्या होती है क्या होती है इस एग्जाम्पल भी लिए थे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था अब हम अपने अगले वर्ड पर आएंगे नंबर है अब हम पढ़ेंगे बेटा अपना स्कैचडी वाला पार्ट एज यू नो दिस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमारे पास में वर्ड आया आज की क्लास यहां से स्टार्ट होगी इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या कौन कौन से रहे जिन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्यों एडम स्मिथ को फादर ऑफ तो गवाए स्टार्ट करते हैं तो गाइस इसी पार्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं इसको तो याद करो अपना थोड़ा रिकॉल करता हूँ हमने अपने इनिशियल पॉइंट के अंदर डिस्कशन किया था इकोनॉमिक्स क्या है याद करो अब उसके ऊपर हमने कुछ नोट्स बनाए थे थोड़ा नोट्स मैंने चेंज किए वही पार्ट लिखा मैंने बट यहां पर अब आप चीजें देखिए अपना ये पार्ट आप लोग सीख चुके थे और आज का जो हमारा मेन पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं लेकिन जो पार्ट जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं आओ बात करते हैं तो सुनो 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 भाई लोगों याद करो भूले तो नहीं हो हमने सोशल साइंस के रिगार्डिंग बात कर ली थी हमने जान लिया था कि इकोनॉमिक सोशल साइंस है तो कैसे तो दो बातें सीखी थी याद करो हमने सीखा था सर दो बातें पहली बात कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है ये दोनों बातें ये वो बातें तो हमारी हो चुकी है इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है ये डिस्कशन भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है हो चुका है अब हमारा सेकेंड वर्ड था जिसके ऊपर हमारे कंसेप्ट आते हैं वह हमारा स्केर्स रिसोर्सेज तो हमें बात करनी है स्केयर्स रिसोर्स के बारे में पहले अब देखो यही एक पैटर्न बेटा एकदम आराम आराम से हर चीज समझनी है ताकि पूरी क्लैरिटी तुम्हें तो मिल सके तो स्केयर्स रिसोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है इसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन वाले पार्ट के ऊपर चलो आओ बात करते हैं तो लो भैया लो जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करेंगे तो हेडिंग बनाओ बेटा और लिखो स्केयर्स स्केर्स स्केयर्स स्के जैसे ही नंबर आया प्लीज कुछ नहीं करना बस सुनना है हर एक चीज समझाऊंगा अपने आप बिना बैठे गारंटी मेरी है सुनो लिखते हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में जिसे नॉर्मली कहा जाता है भैया दुर्लभ हिंदी में बोलते हैं दुर्लभ बट दुर्लभ का मतलब क्या है तो यहां से दो डेफिनेशन निकलती है जानते कौन सी निकलती है द फर्स्ट डेफिनेशन जो यहां से निकलती है कि भैया स्केयर्स होने का नुकसान क्या है बोला भैया नुकसान है दो दो नुकसान है दो तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है लाल सुनो धन से बात को जब अपनी इकोनॉमी के अंदर एज वी नो दिस पानी की बात ले लो एग्जाम्पल के लिए अच्छा पानी है पीने के लिए नहीं सर सिंपल सी बात है द पॉइंट इज जब अपने पास में रिसोर्सिस ह्यूमन एग्जाम्पल ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूं मैं तो क्या सबकी स्किल बराबर है आंसर इज नो पॉइंट समझना मैंने वर्ड बताया था सोर्सेज एंड रिसोर्सेज टू डिफरेंट वर्ड्स का सोर्स मतलब क्या ये पेंसिल क्या, ये क्या? ये क्या? ये है? ये नोटबुक क्या है? ये बोर्ड क्या है? सोर्सिस है बेटा रखना जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, हम कौन है हम रिसोर्स है फर्स्ट लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ये हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट है लिखो प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी इज फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर वन दूसरा लिखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम ऑफ choice और याद रखना नोट्स भी ऐसे ही बनाने रहे जिसे पूरी क्लियरिटी रहे तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर रिसोर्स से निकल किया है अब होता क्या देखो दुर्लभ संसाधन से बनती है दुर्लभता की प्रॉब्लम हिंदी में बोला मैंने आपको अब यही बात सुना अपने पास में इकोनॉमिक लैंग्वेज के अंदर एक बार बताओ यारो क्या आज जो हमारे पास में इंडियन इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो अपने पर्सनल की बात नहीं कर रहे नैनक क्या आज हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं क्या वो अनलिमिटेड हैं क्या सोचो सोचो दिमाग लगाओ क्या अपने आप तो है? हर चीज रीजन में है बेटा हर चीज रीजन छिपा हुआ है सोच के बताओ क्या जो हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं है, क्या वो अनलिमिटेड है क्या बोला नहीं सर वो तो लिमिटेड है अब दूसरा क्वेश्चन एग्री करते नहीं करते हो एग्री करते हैं इस बात पर दूसरा प्रश्न मेरा क्या आप लोगों की या मेरी या हम सब लोगों की जो इच्छाएं हैं जो वॉन्ट्स हैं वो लिमिटेड है क्या कि नहीं नहीं मुझे तो बस मुझे तो बस दो हजार रुपए दे दो तो जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए ऐसा कुछ है क्या या एग्जाम्पल के लिए मेरे पास होता ना एग्जाम्पल भैया मैं जब मैं जब मैं स्कूल में स्कूल के बाद में अपनी हायर डिग्रीज करूंगा तो एक काम करूंगा पापा मुझे बाइक दिला देना बाइक मिल गई तो गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिल गई तो हवाई जहाज मांगोगे सिंपल सी बात समझ रहे क्या बोल रहा से इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है इंसान की एक ह्यूमन की वॉन्ट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती इसीलिए उसे इंसान कहा जाता है इन शॉर्ट पहली बात तो दूसरी बात क्या है कि ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स वॉन्ट है लेकिन उन वॉन्ट्स को पूरा करने वाले रिसोर्सेज वो क्या है हमारे पास में लिमिटेड है तो एक ऐसी समस्या सुनना एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई क्योंकि रिसोर्सिस लिमिटेड है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है उसी प्रॉब्लम को बेटा प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी कहा जाता है और सुन लो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जहां हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर हुम टू प्रोड्यूस वहां पर यही कंसेप्ट लिखे जाएंगे यहां पर यही कंसेप्ट लिखे जाएंगे तो नोट करते हैं इसके बारे में कि, कि किसे कहा जाता है फर्स्ट वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज से कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी तो लिख लिखो नोट करो इसके बारे में कहता है हूं सिंपल सी बात ए प्रॉब्लम विच अराइजेस आई कैन यूज दर्ड ए प्रॉब्लम विच ऐसी प्रॉब्लम जो इसलिए क्रिएट हुई कौन सी कौन सी ड्यू टू आई कैन यू मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्लैरिटी मिले कौन सी प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड ह्यूमन तो ऐसी समस्या जो क्रिएट इसलिए हुई क्योंकि भैया इंसान तो इंसान है वो तो मानने वाला है नहीं उसकी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है बट उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सिस हैं, है। तो ऐसी है। तो प्रॉब्लम को स्कैचडी कहा जाता है ऐसे लिख लो या इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ पैराग्राफॉ कैसे लिखूंगा लिखो ए प्रॉब्लम इसी को लिखता हूँ लिखता हूँ कौन सा ए प्रॉब्लम गारा लिखो प्रॉब्लम Which arises a problem? Which arises लिखो due to किसकी वजह से हुआ? Due to limited resources रट्टा मारा पड़ रहा है क्या? नहीं concept clarity मिल रही है आपको यहाँ से limited resources and unlimited human wants unlimited human wants तो ऐसी समस्या को ऐसी प्रॉब्लम को स्कैसिटी कहा जाता है और ये प्रॉब्लम तो बेटा हमारे हाँ साथ में आती ही आती है कॉमन सेंस हमने डे वन पे सीख लिया हाउस होल्ड मैनेजमेंट याद है अब एक हाउस होल्ड मैनेज कर रहा मतलब क्या है सिंपल सी बात है तो क्योंकि मैनेज को मैनेज कोई क्यों करता है मैनेज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भैया सिंपल सी बात मेरे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना

ये हमने पढ़ लिया था सर ये हमने ये तो हमने पढ़ लिया था, हमने कवर कर लिया था क्लास में मैंने रिकॉल करवाया पार्ट को आगे आता हूं अब बात आई बेटा किसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रट्टा मारना मना है भाई लोगों हर चीज सीख के पढ़नी है समझ के पढ़नी है ध्यान रखना रट्टा विकेशन इज नॉट अलाउड तो पहला वर्ड मुझे बताना सोच के बताना माना कि रिसोर्स लिमिटेड थे मान लिया ठीक है रिसोर्स तो लिमिटेड है माना भी करता है बट माई क्वेश्चन इज रिसोर्स के लिमिटेड होने के साथ साथ क्या उस रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस हैं या नहीं है सोचो लगाओ दिमाग आंसर मिलेगा यस और नो का क्या रिसोर्स के लिमिटेड होने के साथ साथ में उनके ऑल्टरनेट यूज है या नहीं है सर ऑल्टरनेट यूज भी है तो सोचो एग्जाम्पल लगाओ एग्जाम्पल आज मेरी पॉकेट में जितना पैसा है सोचो क्या इस पैसे से मैं एक ही चीज खरीद सकता हूं क्या क्या मनी से मैं एक ही चीज खरीद सकता हूं नहीं सर यू आर हैविंग ऑल्टरनेट चॉइसिस आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं एग्री है ना ठीक है ये पावर बिजली की बात कर लेता हूं पावर क्या रिसोर्स का पार्ट है क्या इस रिसोर्स जो घर में बिजली आ रही है मेरे पास मेरी फैक्ट्री में बिजली आ रही है तो क्या उस पावर से मैक्सिम एक आइटम चला पाऊंगा आंसर इज नो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन हैं अब अगर तुम्हें कोई बोल एग्जाम्पल बताना रिप्लाई करना तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे घर में दिन में सिर्फ दो घंटे पावर आएगी अगले एक महीने तक सुनना मेरे एग्जाम्पल के लिए अगले एक महीने तक घर में सिर्फ दो घंटे सुबह और दो घंटे रात को बिजली आएगी ना प्लीज़ टेल मी क्या करोगे उन दो घंटों में दो घंटे सुबह दो घंटे शाम को टोटल मिला के चार घंटों में क्या तुम सब कुछ चलाओगे कि भैया जो चल जाए मैं बैठ के टीवी देखूंगा बस खाली नहीं वहाँ पर आप लोग चॉइस करोगे कि जब पावर आएगी जब रिसोर्स मुझे दिया गया तो मेरे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिवस हैं मैं प्रेस करूंगा मैं पावर चलाऊंगा वॉशिंग मशीन चलाऊंगा टीवी चलाऊंगा क्या करूंगा मैं मोबाइल फोन चार्ज लगाऊंगा दैट मीनस आपके पास समझना पहले ध्यान से सब क्लैरिटी मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ आपके पास यहां पर अब दोबारा से ऑप्शन आ गए तो याद रखना एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है किसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्स और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज की वजह से याद रहेगी बात उन लिमिटेड रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूज की वजह से कोई सिंपल सी बात यू हैव टू चूज कौन सा चुनाव करूं, कौन सा ना करूं? तो लिखो बेटा इसके बारे में नोट करना कौन सी ए प्रॉब्लम कौन सी लिखो? लिमिटेड रिसोर्स Resource के लिमिटेड होने की वजह से एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस और उनके ऑल्टरनेट यूज होने की वजह से उस प्रॉब्लम को बेलाल नाम दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसी को नाम दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो लिख लो पैराग्राफ फॉर्म में पैराग्राफॉमी याद रहेगा आपको कौन सा और लिखता हूं कौन सा लिखो ए प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम और याद रखना जितना पार्ट अभी कर रहे हो सारा पार्ट आगे यूज होगा तभी तो कनेक्शन इकोनॉमिक्स में अगर ये दोबारा आएगा नहीं तो फिर फायदा क्या पढ़ने का मैं तो कॉमन सी बात बोलता हूँ भाई लोगों सच है दिल पे लगेगी सच्ची बात तो यही है तो लिखो ए प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू लिमिटेड resources एंड देयर ऑल्टरनेटिव uses एंड देयर ऑल्टरनेटिव uses, ऐसी समस्या को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है नोट कर लो इस पार्ट को बेटा नोट कर लो बताओ क्या अब आपको क्लैरिटी मिली कि हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से हमारे पास में हमारे दो प्रॉब्लम की बात समझ में आती है और ये टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है पूछता है सबसे क्या होती है पूछता है चॉइस की प्रॉब्लम क्या होती है और बता दूं हिंट के लिए हिंट के लिए बोल रहा हूं याद रखना याद रखने के लिए बोल रहा हूं यह वाली प्रॉब्लम आप लोग पढ़ोगे व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर यह सेम बात आपको व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम में लिखनी है और यह सेम याद करनी है और यह सेम बात आपको हाउ टू प्रोड्यूस में काम आएगी जहां पर बात आएगी चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जहां पर बात आएगी चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन तो दो बातें वहां पढ़ने को मिलेगी इनको सेपरेटली याद रखना बताओ बेटा बताओ क्या है समझ में आया हाँ या ना? नोट कर लो इस पार्ट को फिर आगे बढ़ते बात की फिर आगे बढ़े हमारे पास में इस पार्ट के ऊपर तो यहां पर हमारा जनरल इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा खत्म हो जाता है ठीक है अब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर लेकिन 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 उससे पहले थोड़ी ज्ञान की ओर ले लो भाई से क्यों देरम ज्ञान की वर्षा क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे कंटेंट के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की साइड से हमें एक शब्द मिला उस शब्द का नाम है एडम स्मिथ शुरुआत में ओपन करो लिखा मिलेगा एडम स्मिथ ने सेवनटीन में एक बुक लिखी थी रिमेंबर तो उस बुक के अंदर उन्हें बताया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ है वहां पर लिखा मिलेगा कि कौन से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाए दिखाऊं क्या अब दिखाता दो थो, थोड़ा याद आ जाएगा तुमको थोड़ा थोड़ा थो, थो, याद आ जाएगा देखो क्या लिखा है मेरे लाल यहाँ लिखा पढ़ना जाए थोड़े पॉइंट को

ताकि जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है जितना आपको पता होना चाहिए आओ तो बताता हूं अगली कहानी क्या है सुनो भाई ध्यान से ये पार्ट हमारा हो चुका हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया डन गाइस अब आगे बढ़ता हूं चलो भैया चलो एक कहानी थोड़ी सी बीच में डालते हैं फिर आएगा हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर वाला पार्ट ठीक है हेडिंग हेडिंग लिखो एक बनाओ लिखो इम्पोर्टेंट इट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स ना आपकी पहली मोहब्बत बने मैं हमेशा बोलता हूं इकोनॉमिक्स आपकी मोहब्बत बन जाएगी बेटा पढ़ने का मजा अलग ही आएगा आप लोगों को तो अगर आप चाहते हो तो उससे पहले कुछ चीजें कनेक्शन में बिल्टअप करना स्टार्ट करो कौन सी बातें सुनना इंपॉर्टेंट और मैं क्या लिखवा रहा हूं दो बातें लिखवाऊंगा सुनना ध्यान से बात को एक्चुअली इतनी ज्यादा कंटेंट को पढ़ने को दिया गया डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स दिए गए डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट स्ट्रक्चर बाकी बहुत सारा कंटेंट दिया गया अब ये कंटेंट लिखा किसने ये कंटेंट बताया किसने अब मैं कुछ बातें बोलूंगा उसको सुननी है फिर से नोट करेंगे हम ठीक है पहली बात सुनना मेरे लाल पहली बात सुनना द फर्स्ट थिंग ये सारे के सारे चैप्टर्स चैप्टर्स नहीं है ये सारे के सारे चैप्टर्स चैप्टर्स नहीं है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स की क्या है थियोरीज हैं रिसर्च हैं एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद में उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया लोगों के सामने रखा दुनिया के सामने रखा और दुनिया ने उन्हें चूज किया कि हाँ भैया आपकी रिसर्च को हम ऑप्ट करते, है, करते हैं हम चूज करते हैं बट एक्चुअली होता क्या ये तो एक अपनी बेसिकली बेसिक सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी एक बात बोलता है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए लाइन सुनना बात है ध्यान से क्या बोल रहा हूँ जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है कि ये सही है उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है बट मुझे बताओ कौन सा बेस्ट तरीका होता है किसी को गलत प्रूव करने का क्या मैं बोलूं अगर मुझे किसी के सामने अपनी बात रखनी है सुनना मेरी कहानी ये बातें बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं इस स्टोरी सुना रहा हूं कहानी समझ में आई तुमको ध्यान से अब बताओ ना सोचो लगाओ दिमाग की बात के ऊपर कि अगर मैं बोलूं कि भैया तुम तो सीधे गलत हो एग्जाम्पल एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स वेल्थ है इकोनॉमिक्स वेल्थ से कनेक्टेड है धन से कनेक्टेड है वेल्थ मतलब प्रॉफिट प्रॉपर्टी बैंक सब मिला के उसने बोला इकोनॉमिक सिंपल सी बात पैसे से कनेक्टेड है तो मैं दो बातें बोल सकता भैया इकोनॉमिक्स भैया एडम स्मिथ भैया तुम गलत हो अंकल जी गलत हो आप लोग ऐसे बोल दूं या फिर मैं ये बोलूं कि एडम स्मिथ आप सही हैं लेकिन मेरा मानना ये है दूसरी बात ज्यादा कंफर्टेबल होती है दूसरी बात ज्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल होती है इसीलिए बेटा हमारी इकोनॉमिक्स की कहानी में भी यही हुआ हमारी इकोनॉमिक्स की कहानी भी यही हुआ जब पहला वर्ड निकल के आर फर्स्ट सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया डिफाइन किया वो डिफाइन किया एडम स्मिथ ने 1776 में उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ well से कनेक्टेड लेकिन उनको क्रिटिसाइज किया लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो स्टडी कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज को जो इकोनॉमी के अंदर हो रही है प्रॉब्लमी जो हो रही हैं उन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जाता है उन्हें इकोनॉमिक्स हिंदी बोलता है अर्थशास्त्री कहा जाता है पहली बात अब सुनो भाई लोगों तो पहले क्या हुआ एडम स्मिथ आए फिर आए एल्फ्रेड मार्स्टर उन्होंने बोला भैया कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो ह्यूमन के वेलफेयर से कनेक्टेड है भैया खाली पैसा, पैसा पैसा नहीं इंसान है ना या पे ह्यूमन बीइंग है ना उसकी इच्छाएं है ना उसके वेलफेयर सामाजिक कल्याण से कनेक्टेड सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड है अब इसने बोल दिया फिर इसको डिसाइड करने के लिए कौन आया रोबिंस गए लियोनो रोबिंस उन्होंने बोला नहीं नहीं भैया पैसा ठीक समझ में आ गया वेलफेयर भी ठीक बट साइंस भी तो है हर चीज सिस्टमेटिक में चलती है कुछ कारण होगा तो रिजल्ट भी निकल के आएगा आज कमाई नहीं करोगे तो कल पैसा भी नहीं आने वाला तुम्हारे पास में काम नहीं करोगे तो कमाई नहीं करोगे लाइक एक्साम्पल तुम पढ़ाई नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएगा डिग्री नहीं मिलेगी डिग्री नहीं मिलेगी तो वो मुकाम हासिल नहीं होगा सिंपल समझ रहे क्या बोल रहा तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बट उनकी बात को बाद में क्रिटिसाइज करने के लिए और इकोनॉमिस्ट है आओ बात करते हैं समझो ध्यान से इसलिए मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट गाइस सुनो तो फर्स्ट लिखता हूं पहले क्या हुआ सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले पिक्चर में कौन आता लिखना इन सेवनटीन सेवनटी सिक्स लिखना नोट करना सबसे पहले पिक्चर में कौन आया पिक्चर में आया बेटा इन सेवनटीन सेवनटी सिक्स सत्रह सो छिहत्तर के अंदर नाम लिख लो एडम स्मिथ एडम स्मिथ और मैं बता देता हूं आपके कंसेप्ट थोड़े आगे जाके और ही लेंगे क्योंकि तो रीजन इज आपको सिखाया जाएगा एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं बट बाद में एक और एक और पापा पापा पिताजी हमारे सिंपल इकोनॉमिक्स के फिर एक और कहानी निकल के आएगी भैया नहीं नहीं जे एम लोगों ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है और वो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस है सर डिफरेंस समझ में नहीं आया क्या बोला आपने कई सिंपल सी बात किसी व्यक्ति ने जब पहली पहली बार किसी चीज को डिफाइन किया तो क्या उसे उस चीज का पिता नहीं कहा जाएगा नाम दे दिया गया तो इसलिए एडम स्मिथ ने क्या बोला एडम स्मिथ

1890 के अंदर दोबारा एक इकोनॉमिक उनका नाम था बेटा एल्फ्रेड मार्शल क्या नाम था एल्फ्रेड सुन लो नोट कर लो खाली इसको ये ओ, हम तो में नहीं है इसके अंदर एडो स्मिथ को डेफिनेशन दिया इसलिए उन्हें नाम भी दिया गया क्या नाम मिला हिज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या आई कैन यूज वर्ड फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह कहा गया उनको

पूछू, किसने दिया वेलफेयर डेफिनेशन डेफिनेशन मार्शल किसने दिया तो 1932, 1932 एडम स्मिथ मैं लिख के दे रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट ऐसे नहीं पढ़ाया जाता आई कैन गारंटी फॉर दिस क्यों रीजन क्योंकि बुक में जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ा दो तो कनेक्शन कभी बिल्टअप नहीं होगा बुक में ये सोच के लिखा गया कि आपने अपनी इलेवन ट्वेल्थ के अंदर हर चीज इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रॉन्गली पढ़ा है जानते हो बात यह जमशन तुम भी समझते हो दिल पर लगी बात तुम्हारे हर टीचर आपको टीचर समझ आ रहे भैया बच्चे ने पढ़ाई की है ये तो तो पढ़ के आ चुका है तो पढ़ चुका है तो क्यों पढ़ाए उसको बातें वो कनेक्शन कनेक्शन क्यों बिल्टअअप करें ये कनेक्शन नहीं बिल्टअअप मैं अभी पूरा थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कनेक्शन नहीं बिल्टअअप होगा तो अगला इकोनॉमिक्स वाला पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा आप लोगों के लिए मजा चाहिए ना एक पढ़ने में मजा यार पूरा दिन लेके बैठो तो मजा आना चाहिए मेरे को। तो मजा तभी आएगा जब बिल्ट तो लिखो, इनको रॉबिन्स की डेफिनेशन भी बोलते हैं रॉबिन्स क्या था भैया कौन थे अब इन्होंने क्या किया एक व्यक्ति कह रहा है वेल्थ है एक कह रहा है वेलफेयर है अब तीसरा आया बोलता नहीं नहीं कनेक्शन तो है ना इकोनॉमिक्स में हर सिस्टम में है ना बोला हाँ है

साइंस से कनेक्ट कर दिया और बोल दिया साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में दो फैक्टर मेजर होते हैं हमने लिखा भी था फर्स्ट इज कॉल सिस्टमेटिक मैनर इकोनॉमिक्स में हर चीज सिस्टमेटिक मैनर में है नंबर टू इसका मतलब आपस में चीजें कनेक्टेड है नंबर वन नंबर टू का एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और ये तो ऑब्वियस मानते भी हम लोग भी मानते हैं भैया क्या हुआ तो इफेक्ट तो आएगा एग्जाम्पल तो रट्ट मारा एक्जाम्पल देना समझना कोविड आया था इंडिया में कोरोना की बीमारी आई तो भैया इंपैक्ट पड़ा लॉकडाउन लगाया लॉकडाउन लगाया तो देश की जीडीपी डाउन गई क्योंकि रीजन इज लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन बंद हो गया प्रोडक्शन बंद तो लोगों को काम नहीं मिला एम्प्लॉयमेंट भी डाउन चला गया एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम होगी क्या इनकम भी नहीं होगी इनकम नहीं खर्च कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसीलिए जीडीपी डाउन चली गई तो पॉइंट क्या था क्या कारण था क्या इफेक्ट था इसलिए इकोनॉमिक्स को रॉबिन्स ने साइंस कहा तो इसलिए बोला साइंस साइंस कौन सी कौन सी बोल पता है इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव साइंस रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉजिटिव साइंस के रूप में डिफाइन किया जो हम पढ़ के हैं ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है तो रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉजिटिव साइंस के रूप में डिफाइन किया आई कैन यूज अगर मैं दिखाऊं कुछ आपको तो अभी जो हमने लिखा था ऊपर अपने पास में साइंस वाली बातें यहां पर अपने पास में जो साइंस के वर्ड हमने सीखे थे वो पॉजिटिव वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ रॉबिन्स ने बताया था याद रखना अब क्या हुआ आगे पढ़ते हैं चलो 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 कहानी चल रही है हमारी अब क्या हुआ ये बताया किसने रॉबिन्स ने बताया लेकिन 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 कुछ सालों के बाद में अब पिक्चर में आई कहानी अलग बहुत फिर बदल हुआ इस सब ने अपनी अपनी बात बोल दी लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन। अब सुनना ध्यान से बात को अब कुछ इकोनॉमिस्ट एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एक कॉमन डेफिनेशन दिया ये तो समझ में आ ही चुका कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरी को प्रूव किया गया और हमेशा ऐसा होता है

पीगो ये कुछ इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स निकल के आए जिन्होंने रॉबिन्स की डेफिनेशन को चैलेंज किया बोला भैया तो गलत है अपनी बातें मान ले गलती मान ले बोला गलती का मालू? गलती नहीं मान रहा उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या बोला बहुत समझदार लोग थे समझदार लोग थे क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे के साथ में एक, एक साथ इन्होंने डेफिनेशन प्रूव किया और बोले भैया समझदारी क्या दिखाई बोला भैया केला तू सही नहीं है ना तू सही ना तू सही तुम तीनों की बात हम अग्री करते हैं लेकिन हम इस इस रॉबिन्स की बात को अग्री नहीं करेंगे हम सिर्फ यह नहीं मानेंगे कि इकोनॉमिक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस है और आप जानते हो बेटा इस बारे में कि सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट से काम नहीं चलता पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है सुनना क्या बोल रहा हूँ पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती हैं प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है कैसे हुई ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कि बता पाओगे प्रॉब्लम ये थी क्यों हुआ क्या हुआ बता पाओगे बट सॉल्यूशन क्या है ये बताएगी आपकी नॉर्मेटिव साइंस और वो डेफिनेशन बेटा सैमोल निकोलसन हिक्स एलन एन पीगो इन ने मिलकर दी थी अब सुनो लिखो क्या होता है तो लिखो क्या बोला इन्होंने बोला भैया कि क्या इकोनॉमिक्स इज लिखो मेंशन किया इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर दे सेड इन इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर इन्होंने साक्षात बोल दिया ये है इन्होंने इकोनॉमिक्स को तो कहा, बोला नॉर्मेटिव साइंस है इसीलिए याद रखना, जब आप पढ़ते हो तो आप बोलते हो है। लेकिन, लेकिन 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 याद करो मैंने आपको कहा था बेटा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपकी बुक्स में क्वेश्चन आता है जहां लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है मोर पॉजिटिव लेस नॉर्मेटिव मोर नॉर्मेटिव लेस पॉजिटिव तो आप अब लिखते हो पॉजिटिव के साथ साथ नॉर्मेटिव भी दिस इज रियल आंसर बट का पॉजिटिव वर्ड नहीं दिया नॉर्मेटिव दिया तो नॉर्मेटिव टिक करते हैं क्यों करना, ठीक? Question, तो क्यों 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 क्वेश्चन तो पे पूछा जब तक इकोनॉमिक्स में क्यों है इकोनॉमिक जिंदा है तुम्हारे अंदर याद रखना तो वर्ड क्या बोला नॉर्मेटिव क्यों भाई क्योंकि तो प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन के बारे में बात करती है एज यू नो पढ़ चुके उसके बारे में नॉर्मेटिव क्या करती है डील्स विद शुड बी क्या होना चाहिए वट शुड बी आज सोचो ना यारो जब देश में इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होता है गवर्नमेंट से तुम्हारा पहला प्रश्न क्या होता है कैसे सोल्व करोगे दिक्कत तो ले आए तुम लोग बताओ प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट कर दी कोविड आया वॉर की जंग की जंग की स्थिति होगी चाइना से लड़ने वाले थे कुछ टाइम पहले हम पाकिस्तान से लड़ने वाले थे तो है मैम अब यूक्रेन और उसका रशिया का वॉर हो रहा था तो वहां पर भैया क्या होगा तो किसका सपोर्ट तो वो टू बी क्या किया जाना चाहिए इकोनॉमी के अंदर सबसे मेजर पैरामीटर है 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 वो यही प्रॉब्लम चल जाएगी पता भाई बट सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए कौन बताएगा याद रखना ये डेफिनेशन दी थी आपके पास में नॉर्मेटिव डेफिनेशन तो भाई ये कहानी है ये आपको थोड़ा कनेक्ट करती है पीछे चीजों से कि फर्स्ट डेफिनेशन से लेके अभी तक की डेफिनेशन में क्या चीजें आ चुके हैं हमारे पास में याद रहेगी बात क्लियर गाइज ओके तो ये पार्ट था जो मैंने कहा आपको इंपॉर्टेंट नोट के थ्रू पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी इतना ही पढ़ना है जितना बोला उतना सुनना था उस तरफ आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है लगेगा रिक्वायरमेंट बताऊंगा आप लोगों को अलग से मैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये कहानी हमारी होगी कौन सी सर आपके स्मिथ के रिगार्डिंग तो गाइज ये पूरा पार्ट था हमारा जनरल इकोनॉमिक्स की वैरायटी जो मैंने बताया आपको अब मेरी कहानी शुरू होगी आपकी जो बुक है आपका जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग

फिर हम चलेंगे आगे फिर हम चलेंगे आगे नोट कर लो इसको डन चलें आओ भाई लोगों सुनो 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 गांव वालों देशवासियों सुनो ध्यान से बात मेरी अब आते हैं हमारी मेन कंटेंट के ऊपर दैट इज हमने पढ़ लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स तो अब बात करते हैं हमारा सबसे मेजर पार्ट जिसे हमें करना है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और लिखो क्या नाम है इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स नोट कर लो पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स आराम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखते हुए चलेंगे और वही पैटर्न रहेगा जो भी पढ़ा समझ के पढ़ेंगे तो वर्ड आया बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है मेरा पहला शब्द तो यही निकल के आता है देख वर्ड तो आपने सीख ही लिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब तो है सर सिर्फ और सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स की बात की थी अब अगर मैं बोलूं कि अगर इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स है सुनना क्या बोल रहा हूं अगर इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स है तो जनरल इकोनॉमिक्स मतलब आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज को अगर मैं जोड़ दू बिजनेस के साथ में और बिजनेस में क्या होता है बिजनेस में होता है डिसीजन मेकिंग

बिजनेस सर बुक भी पढ़ाओगे हाँ बुक भी पढ़ाऊंगा भाई मत लो अभी इसको करते हैं पहले क्या लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है भाई लोगों बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स रेफर्स टू टू दैट हमने लिखा था जरिए हाँ तो दोबारा लिख लो नाला को रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स मैंने कहा था ना अप्लाइड नोकी ना की जनरल इकोनॉमिक्स दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच कौन सी बेटा लिखो विच प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज अब बताना भाई जब नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स तो प्रॉब्लम इश्यू किसके होंगे सोचो लगाओ दिमा जब नाम ही है बिजनेस इकोनॉमिक्स तो प्रॉब्लम भी किसकी होंगी बिजनेस की तो लिखो इश्यूज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को डील करने वाला इकोनॉमिक अपलाइडो वो ब्रांच क्या कहलाता है लिखो कैसे कैसे सोल्यूशन कैसे, कैसे करता लिखो हेल्प ऑफ कैसे करेगा सोल्यूशन डील कैसे करेगा विद दिन यू हेल्प ऑफ या यूज ऑफ ठीक है इकोनॉमिक थियोरी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करके एंड और क्या है एंड क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स लिख लो पूरा समझाऊंगा उस डेफिनेशन में बहुत सारा कंटेंट है अगर मैं बोलूं ना अकेली बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपके फर्स्ट चैप्टर कवर करती है दिखाता हूं कैसे लिखो तो क्या बोला पढ़ना दो बातें निकल के आए अब प्लीज सुनना ध्यान से मेरी बात बेटा ध्यान से पहला वर्ड सुनना इकोनॉमिक्स क्या है बोला इट रेफर टू दैट ब्रांच वो ब्रांच वो शाखा है पेड़ की वो शाखाए समझ रहे हो एक पेड़ होता ना पेड़ अब ऐसे इकोनॉमिक्स भी पेड़ है इकोनॉमिक्स एक, एक पेड़ है उस पेड़ की बहुत सारी वेरायटीज हैं। जिसमें से एक वरायटी मैथ्स में पढ़ते हो स्टैट पढ़ो, हो पढ़ते हो Remember? ऐसी बहुत सारी varieties है भाई जनरल इकोनॉमिक वेरायटी है स्टेट भी वेराइटी है इस इकोनॉमेट्रिक्स वेरायटी है ये वैरायटीज है बेटा तो बोला उनमें से एक वैरायटी कौन सी किसकी, किसका हिस्सा यहीं पे क्वेश्चन आया हुआ पहले बार बार पूछा गया है कि बताओ भैया कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स ऑप्शन ए जनरल इकोनॉमिक्स ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑप्शन डी अबव अप्लाइड इकोनॉमिक्स ठीक है अप्लाइड का मतलब क्या होता है रीजन है अपलाइड का मतलब क्या होता है मतलब होता है मेरे लाल कि ऐसी इकोनॉमिक जिसे आप अप्लाई कर सकते हो मतलब अप्लाई मतलब जिसका एप्लीकेशन पॉसिबल है अब चेक करो मेरे लाल क्या बिजनेस जब डिसीजन लेता है कॉमन सेंस लगाओ ना जब बिजनेस डिसीजन लेता है तो क्या अपने अंदर अंदर लेता है या रियल रियलिटी में लेता है प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस डिसीजन लेता है या सिर्फ थियरिटिकल लाइफ में लेता है कि हां एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई मैंने मन ही मन में रात को नींदों में सोल्यूशन निकाल लिया ऐसा होता है क्या भाई लोगों ऐसा तो नहीं होता कैसा होता है रियलिटी में प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेता है क्या करना है क्या नहीं करना है क्या करना है क्या, करना है, क्या नहीं करना है इसी को बोलते हैं ना अप्लाइड इकोनॉमिक अप्लाइड पार्ट है न, applied applied partner, applied इसको अप्लाई किया जा सके रिमेंबर आगे पढ़ना कौन सा जो डील करता है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन

हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो गया सडनली <Budget> पता नहीं क्या हुआ अच्छी बड़ी फैक्ट्री है मेरी फैक्ट्री सुन रहे धन से दो चार पाँच पांच फैक्ट्री है मेरी फैक्ट्रीज़ में सडनली प्रोडक्शन कम हो गया सामान बनना बंद हो गया कुछ फैक्ट्र जो सामान बन रहा था वो कम हो गया अब बताओ ये क्या है क्वेश्चन ये क्या है ये एक प्रॉब्लम है मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है मैं मैनेजमेंट के अंदर हूँ प्रॉब्लम ये आई कि भैया फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन बंद हो गया काम नहीं हो रहा सामान नहीं बन रहा बेचूंगा क्या खाऊंगा क्या बच्चे कैसे पालूंगा मैं अपने आप सुनो बात ध्यान से प्रॉब्लम तो थी पॉजिटिव स्टेटमेंट बट सॉल्यूशन क्या है तो क्वेश्चन इज मेरे को ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर मुझे इस मार्केट के अंदर भाई प्रॉब्लम क्या थी सामान बनना बंद हो गया इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा पड़ेगा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए अगर आज मेरे पास में जब मैंने पता किया सो प्रॉब्लम क्या थी तो पता चला प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है जो सामान मैं बना रहा हूं लोग उसे मांग नहीं रहे हैं तो इसका मतलब मुझे डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा सुन रहे क्या बोल रहा हूं। ये सारे ये सारे वर्ड वर्ड सुनना क्योंकि तुम्हारे चैप्टर के पार्ट हैं आगे आ, आने वाले तो इसका मतलब मुझे डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा जो कस्टमर उस सामान को खरीदते हैं वो कौन है क्या उस मार्केट में बेच रहा हूं नहीं बेच रहा हूं उनकी नीड्स को पूरा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं एनालिसिस दूसरा अब डिमांड का कंफर्मेशन लिया तो लगा अरे भैया सप्लाई भी तो करना पड़ेगा प्रोडक्शन रुक गया तो वो जो मांग रहे हैं डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे सप्लाई भी तो फिक्स करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन सुचारू रूप से चल सके रॉ तो मटेरियल कहां से आएगा लेबर कहां से आएगा लैंड क्या रहेगी मशीनें कौन सी यूज करूंगा ये क्या है मेरा डिसाइड करेगा प्रोडक्शन डिसाइड करेगा सप्लाई का लेवल तो मुझे अब अपनी डिमांड के साथ साथ में सप्लाई को भी एनालाइज करना पड़ेगा कितना कर पाऊंगा कितना नहीं कर पाऊंगा अब वो तो कुछ और ही मांग रहे हैं अब थोड़े एग्जाम्पल के लिए

जून की बात थी तो एक सीधा होता था हमेशा की मीन्स फैमिली बोलती थी कि ठीक है घूमने के लिए नानी के यहाँ जाएंगे नानी के जाएंगे तो नानी पंजाब में रहती है अब पंजाब में नानी के यहाँ जाना होता ना साल में एक बार जाते थे हम लोग स्कूल छुट्टी होने पर अब वहाँ पर मुझे तब से बात याद है फिक्स था साल में एक बार जाएंगे वहाँ जब मैं गया तो उस टाइम पे ना वहाँ पर पंजाब में एक नया नया न्यूज़पेपर स्टार्ट होने वाला था अभी इत आज जो फेमस न्यूज़पेपर पेपर हैं उनको आप जानते हो बट पंजाब में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट होने वाला था तो वो न्यूज पेपर वाले क्या कर रहे पता क्या कर रहे थे वो घर घर जाके न्यूज पेपर का सब्सक्रिप्शन करवा रह रहे थे कि आप न्यूज पेपर लीजिए आप हमारा न्यूज पेपर लीजिए आप हमें ये बताइए कि आप न्यूज पेपर कितने में लेंगे अगर आज आपको अखबार चाहिए हो आप तुमसे पूछता हूं आज अगर तुम्हें महीने का अखबार चाहिए हो तो तुम्हें कितने में चाहिए तो किसी ने बोला लोग लो, लो कमस्ती करते हैं दो रुपए में दे दो भैया तीन में दे दो एक रुपये मिल जाएगा तो ये प्राइस का एक एस्टिमेशन उन्होंने स्टार्ट किया और वो घर वाला गिफ्ट भी बांट रहे थे कि अगर लोग आज लोगे तो ये बाल्टी लो ये बकेट पकड़ लो ये साथ में सैंपल और सामान गिफ्ट भी दे रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बट द पॉइंट इज वट दे आर दे वर डूइंग वो क्या कर रहे थे भाई वो कर रहे थे रिसर्च वो कर रहे थे एनालिसिस डिमांड का एनालिसिस कि अगर एक कंज्यूमर उस सामान को खरीदता है तो किस प्राइस पे खरीदेगा वो किस अमाउंट पे अग्री करेगा तो पॉइंट ये निकला लोगों ने बोला एक रुपए दो रुपए ढाई रुपए तीन रुपए एक रुपए सुनना ढाई चलता रहा ना चलता रहा उस टाइम पे सुनो से द पॉइंट इज नोटिस करना आज तुम्हारे देश में जो अखबार न्यूज बिकते हैं इतने पे सुनना सोचना ध्यान से पेपर कितने ज्यादा उसके अंदर पेपर से कहीं ज्यादा पेपर की जितनी कॉस्ट है न्यूज़पेपर वाले आपसे उतना कॉस्ट भी वसूल नहीं करते हैं पांच रुपए सात रुपए दस रुपए याद है ये प्राइस चलता है इंडिया में आज भी जो बढ़ चुका है बढ़ गया प्राइस पॉइंट सुनो क्योंकि तो रीजन इज उन्होंने दिमाग लिया एनालिसिस एनालिसिस किया न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर ने ने कभी सोचना, मार्केट ने इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया और सॉल्यूशन निकाला क्या एनालाइज किया देखो कहानी सुनोगे तभी बिल्टअअप होगा माइंड में कंसेप्ट क्या हुआ क्या एनालाइज किया कि लोगों को हमारे देश के लोगों को सस्ता सामान चाहिए ठीक है भाई बट हम तो अपने खर्चा न्यूज पेपर का खर्चा कैसे निकालेंगे कॉस्ट भी पेपर कॉस्ट है इंक की कॉस्ट है स्टाफ काम कर रहा है इतना लोग हैं एडिटर्स हैं प्रिंटिंग वाले कैसे इनको सैलरी बांटेंगे कहां से आएगा पैसा इसलिए ऑप्शन क्या निकाला उन्होंने ऑप्शन निकाला भैया दो रुपए में अगर वैसे बेचा तो हम तो लुट गए बर्बाद हो गए है ना चूड़े तोड़नी पड़ जाएंगे करके ऐसे तो क्या करें बोले काम करते हैं क्यों ना हम कस्टमर को तो उतने में ही दे जितना वो मांग रहा है लेकिन हम अपने न्यूज पेपर का कमाई पैसा निकालने के लिए अलग अलग कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को कोलैबोरेट करते हैं उनसे जुड़ते हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट करवाने की बात करते हैं और चेक कर लो आज के दिन सभी न्यूज जो कमाई करते हैं उनके अंदर उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की बिग बाजार ये वो उनकी एड चलती हैं और एक छोटी सी एड का भी बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करता है डेली बेसिस के ऊपर समझ में आया? तो ये क्या था भाई एक बिजनेस ने एक न्यूज पेपर इंडस्ट्री ने एनालिसिस किया कि डिमांड क्या है सप्लाई क्या कर पाऊंगा मार्केट कैसी है प्रोडक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा कॉस्ट कितनी लगे, कि लगेगी लगेगी रिमेंबर ये क्या था ये क्या था एनालाइज किया और डिसीजन लिया बेटा कैसे लिया क्योंकि सारे जो मैंने लवर्ड बोले डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन क्या है

माइक्रो इकोनॉमिक स्कूल टाइम की चैप्टर का नाम याद है लिख दो यहां पे कौन से हैं सर थ्योरी ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ सप्लाई रिमेंबर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट प्रोडक्शन को भी एनालाइज करना पड़ेगा कॉस्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा रिमेंबर मार्केट को भी एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है जिस मार्केट में बैठे हो मार्केट कौन सी परफेक्ट है है मोनोपोली मोनोपोलि है क्या है और सर जो फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल काम करेंगे उनकी फैक्टर कॉस्ट क्या रहेगी फैक्टर कॉस्ट एनालिसिस तो ऐसे सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा ये बिजनेस को पता है बट साथ ही साथ में इतना काफी है बोला नहीं ऐसे भी तो बहुत सारी चीजें जिन्हें हमें ऑर्नालाइज करना पड़ेगा किसका यूज करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव टूल बोलते हैं नंबर्स को जहां नंबर की बातें नंबर कहां आता है तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है सर अकाउंटिंग को भी एनालाइज करना पड़ेगा सर मैथमेटिक्स भी करके देखनी पड़ेगी भैया कि क्या हिसाब बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा इसका समझ में आ रहा है तुम्हारे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रियल लाइफ में बिजनेस में वही सब्जेक्ट रियलिटी में काम आते हैं और क्या है मैथ्स भी देखना पड़ेगा करके हिसाब देखना पड़ेगा मैथ के साथ साथ में हमें एक कौन सा इकोनोमेट्रिक्स भी देखना पड़ेगा देश के अंदर याद रखना देश के अंदर जो सर्वे वगैरह होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं प्रोसेस के थ्रू और क्या है सर स्टैट का पार्ट भी देखना पड़ेगा कि हर जगह भागना पॉसिबल नहीं है इसलिए पढ़ते ना स्टैट में मैथड पढ़ते ना सैम्पलिंग मैथड एनिमरेटर मैथड ये क्या है ये यहीं सर पढ़ते हो तो क्या बोला भाई अब खुद चेक कर लो जो तुमने बोला वही मैंने लिखा और यही तुम्हारा डेफिनेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिर्फ रट्टा नहीं मारना होता समझना होता मेरे ला समझना होता समझ में आया नहीं आया बताओ हाँ या ना बोलो हाँ या ना क्लैरिटी मिली तो इकाई ये, ये क्या था डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया जनरल की पूरी बातें हमने कर ली हमने इकोनॉमिक्स की बातें भी कर ली अब हमने बात की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की अब मैं बात करूँगा हमारा नोट करना है क्या नोट कर लो भैया इसको चलो नोट कर लो इसको इसे नोट करो इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग डन 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 अब सुनो बात से अगला हमारा कंटेंट अब ये क्लियर हो गया कि क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स नाउ क्लियर ठीक है अब बात आई मेरे डाल कि हमारा अब अगला टॉपिक क्या आएगा फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ने को मिलता है फर्स्टिंग इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और यहां भी तुम्हें तुम्हारी आंखों खुलवा के दर्शन करवा देता हूं मैं स्कूल टाइम में पहले जब जब जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है क्योंकि मैं ये सोच के भी पढ़ा रहा हूं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई पहली बात तो सुन लो दूसरी बात सोच के पढ़ा रहा हूं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो कि जिन्होंने स्कूल टाइम में साइंस लिया हो तो उनकी भी तैयारी होनी चाहिए ना भाई है ना वो भी तो कुछ उम्मीदें रख के आए है ना कि हमें पढ़ाया जाएगा तो हमें तो पता ही नहीं तो उन दोनों की उम्मीदें पूरी इस पॉइंट से पढ़ा रहा हूं ठीक है आओ तो हो सकता है तुम्हें कुछ कंसेप्ट आते हैं कुछ ना आते हो तो आपने जो पढ़ा वो पढ़ा था इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कूल टाइम में इकोनॉमिक्स के नेचर में सिर्फ दो ही बातें पढ़ने को मिलती थी एक पढ़ने को मिलती थी इकोनॉमिक साइंस है अच्छा इकोनॉमिक्स एज साइंस दूसरा मेरा इकोनॉमिक आर्ट ये दो ही बातें आपको आपकी किताबों में मिलती थी और यही पढ़ाई जाया करती थी लेकिन 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 यहां पर बात इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही है यहां पर बात हो रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है उसके नेचर की बात करोगे और नेचर का मतलब क्या होता पता है जैसे तुमसे कोई बोले एग्जाम्पल रट्टन नहीं मारना भाई बताओ ना आज मेरा नेचर कैसा सर आप जोली हो जोली चुलपुरे टाइप के हो गुस्सेल हो कैसे हो ये नेचर ना मेरा इंसान का नेचर है बट इकोनॉमिक्स कैसा बिहेव करती है इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में जानने के लिए आपको उसका नेचर भी समझना पड़ेगा कैसी है इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है कहां कहां कैसे, कैसे कैसे पार्ट में रूल रूल करती है यह बातें आपको पढ़ने को पड़ी है आओ बात करते हैं सुनो भाई लोगों बात कर लेते हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अब सुनो भाई लोगों यहां से ध्यान से बात

तो मतलब दो तो नहीं है ज्यादा ही है ज्यादा में क्या अब बताऊंगा और उससे पहले एक लाइन लिख लो यारो लिखे अब देखो यहाँ पे जो बात बोली एक वर्ड यहां पे और लिख लो ठीक है लिखवा देता हूं फिर नीचे शुरू करेंगे हमारे पास में एक लिखो इंपॉर्टेंट नोट थोड़ा हटा दो इसको थोड़ा साइड हो जाए भाई तो हम एक लाइन लिखने वाले हैं तो लिखो इंपॉर्टेंट नोट राइट एन इंपॉर्टेंट नोट बिफोर स्टार्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इसलिए हमें अपलाइड इकोनॉमिक करना लेकिन, 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 बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक और नाम से पुकारा जाता है जैसे बोलते ना अरे भैया तेरा नाम क्या है तो चिंटू भी है मिंटू भी तो रोहन भी है तेरा तीन नाम है तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी कुछ और नाम है नाम में लिखो पहले क्यों है नाम लिखना तो फर्स्ट लिखो क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करती है पहले वो लिखना बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखो इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोलते हैं जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेट मतलब जोड़ना ये जोड़ती है हा इसके काम रिश्ते बनाना लिखो इट इंटीग्रेट क्या लिखो द इकोनॉमिक इंटीग्रेट द इकोनॉमिक थ्योरीज अभी जो पढ़ा ना इकोनॉमिक थ्योरी इकोनॉमिक थ्योरीज ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी को इंटीग्रेट जोड़ती है किससे विद विद द द बिजनेस 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 प्रैक्टिस का मतलब बिजनेस के ऑपरेशन एक धंधा एक बिजनेस कैसे काम करता है उसको ये जोड़ती है इकोनॉमिक्स की थ्योरी से जोड़ती है उसकी थ्योरी से इसीलिए इसे एक नाम दिया गया क्या नाम दिया गया कॉमन सी बात है भैया बिजनेस में डिसीजन लेता है मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट जब डिसीजन लेता है तो मैनेजमेंट की बिजनेस प्रैक्टिस को अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी से जोड़ते हो ये वो है, इसलिए से नाम दिया गया लिखो इट इट इज इज इकोनॉमिको नोन एज एज इट इज नोन तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक और नाम दिया गया नोन एज लिखो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नाम दिया गया इसे मैनेजरियल मैनेजमेंट की इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है मैनेजमेंट की इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है तो मेरे लाल दो बातें याद रखना आपसे तीन बातें पूछते हैं पहली बात बिजनेस एग्जाम्पल लिख लो तो लिख लो इसके बारे में इसलिए कहीं आपको कोई कहे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड एकनोमिक्स है। तो कहना हा है इक्वल टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड इज इक्वल टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो तीनों नाम इसी के हैं ये तीनों नाम इसी के हैं ये भूलना मत मेरे लाल ये है आपका पार्ट बेसिक इंट्रो वाले पार्ट का समझ में आया भाई लोगों ये क्लियर होगा तभी हम अपनी अगली क्लास पे मूव कर पाएंगे सर अगली क्लास एक काम करना अलग ही पढ़ा देना ओके आपने बोला मैंने अपने ख्याल को समझ लिया आप लोगों को तो क्योंकि सेपरेटली उस पार्ट को पढ़ेंगे तो इस पार्ट में हमारा इंट्रो का पार्ट खत्म होता पूरा पूरा ठीक है और अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा हमारा एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट और गारंटी है बेटा जिस तरीके से पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ाएगा लिख के दे रूंगा इस बात को मैं तो बात करेंगे अपने पास में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रट्टा नहीं समझ के पढ़ना है तो गाइस सी यू मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच बाय गाइस कौन सा गाना गाए कौन सा बाय बाय और टाटा सी यू अगेन और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन बाय बाय टेक केयर बाय सी यू Oh <music>